अनुभव वाले पश्चिम बंगाल के माननीय सोमेन चटर्जी जी अपने बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी नेतृत्व को माननीय अमित शाह जी और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति अपनी सहमति प्रदान करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल प्रोफेसर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी सादर अनुरोध है डॉक्टर वैशाखी बनर्जी जी से कि आप भी आए। है और कलकत्ता कॉर्पोरेशन ममता हार जाएगा और उसके साथ साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पर अमित जी का नेतृत्व पर नड्डा जी का नेतृत्व पर ये आप लोग लिख लीजिए ममता का पार्टी 30 मिलेगा नहीं ऑपोजिशन स्टेटस मिलेगा नहीं। नमस्ते। ठीक सुमन जी कुछ बोलेंगे? मेरा आग्रह होगा माननीय अरुण जी से कि अभिवादन कर दें अपने। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो नेतृत्व है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका कार्यशैली है, जो उनकी शासन प्रणाली है, उससे लोग नाराज हैं, हताश और निराश हैं। और वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से प्रभावित होकर के, माननीय नड्डा जी से मिल करके या भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर के, विचारधारा से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर दिख रही है। लोकसभा में भी देखी, आने वाले समय में जैसा मुकुल दा ने कहा, जब भी कारपोरेशन के चुनाव होंगे, जब भी ममता दीदी कराएंगी, वह जो कलकत्ता महान जो कारपोरेशन का चुनाव होगा वह भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि जब वहां पे के वहां के मेयर पहले रहे और विधायक वही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए तो वहां पे जीत भारतीय जनता पार्टी की पक्की है और अधिक संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में और लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आएंगे, ज्वाइन करेंगे। मैं आप दोनों महानुभाव जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कार्यालय में स्वागत करता हूँ। अब जी बहुत बहुत हाँ, दोनों लोग जो अपने वैशाखी बनर्जी जी और सोहन चटर्जी जी दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अपने पार्टी में। जो पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी अब आपकी भी पार्टी होगी, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे how
यू हैव राइटली मेंशन, थैंक यू फॉर मेंशनिंग सच क्वेश्चन. व्हेन आई वाज बिलोंगिंग इन द तृणमूल कांग्रेस आई टेकन चार्ज ऑफ इन सेवरल पार्ट्स. एट दैट वेरी टाइम आई हैव रेज्ड ऑल दोज क्वेश्चन. ये व्हाई इन द पंचायत इलेक्शन द ऑपोजिशन पार्टी डिड नॉट अलाउ टू फाइट द इलेक्शन टू फाइल देयर नॉमिनेशन. And I raise this point to the appropriate situation in an appropriate place. So that's why in the democratic process, there may be so many political parties. But the Bharatiya Janata Party, how they are ruling, they are already elected in a high majority in the last election also, under the bold leadership of Narendra Modi ji and BJP President Amit Shah ji. Definitely, we definitely process in that way that it should not be disturbed by any means, because they are taking so many bold steps to strengthen not only the party but the country and the people of the nation. So I think so. Will be from my part or from our part is a is a first class educationist, and Dr. Boishakhi Banerjee also along with me, we are supposed to support like this thing, that there should not be allowed any negative politics in this juncture of the nation's politics. Bahut bahut dhanyawad.